वेलकम बच्चों, चलो शुरू कर देते हैं। देखो आर्टिकल्स की कॉस्ट, मेरे को पता है तुम बच्चों को परेशानी होती है, सिंपल सी भाषा में समझाऊंगा। बिल्कुल, लेट्स से मैं कह रहा हूं एक पेन है 10 रुपए का, दो पेन कितने के आएंगे 20 के, एक पेंसिल है 4 रुपए की, 6 पेंसिल कितने की आएंगी। देखो 2 10 रुपए के पेन 20 के, 6 4 रुपए की पेंसिल 24 की। वहीं अगर पेन की कॉस्ट होती x, पेंसिल की होती y, तो क्या लिखते 2x, इधर 6y। सिंपल, ऐसी तो करना होता है सब। अब क्या है सर, कर दो। तो देखो भाई 4 चेयर, और हाँ बच्चे सॉल्यूशन आप सबको खुद निकालना है, 4 चेयर 3 टेबल कॉस्ट इतने। देखो सिंपल है, लेट द कॉस्ट ऑफ अ टेबल, चेयर भी लिख सकते हो, चलो चेयर लिख देता हूँ, ऑफ अ चेयर इज इक्वल टू रुपीज एक्स, द एंड द कॉस्ट ऑफ अ टेबल इज इक्वल टू रुपीज वाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखो चेयर 1 है x की, 2 2x की आ जाएंगी, 3 चेयर 3x की आ जाएंगी, 4 चेयर 4x की आ जाएंगी। तो 4x, और मैं कह रहा हूं भैया मम्मी ने सब्जी लेने भेजा, तुम पालक लाए और नींबू लाए, मम्मी ने पूछा टोटल पैसे कितने हुए, तो तुम पालक की कॉस्ट और नींबू की कॉस्ट जोड़ के ही तो घर में बिल बताओगे। अब देखो क्या 4x प्लस टेबल कितने हैं 3 3y, इनके भी पैसे जोड़ लो, टोटल आ गया 2100। सिमिलरली 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 1750। और हाँ इनको सॉल्व खुद करना है, लेकिन बच्चे लास्ट में एक बहुत अजीब और अच्छा क्वेश्चन है, तुम खुद कहोगे सर वाओ। आ जाओ हम इस पे। हाँ जी बच्चे देखो, वापस से वैसी क्वेश्चन आ गया, दो मैं कह रहा हूं एक टेबल की कॉस्ट है x, x कुछ भी हो सकता है 100 रुपए 200 रुपए, चेयर की कॉस्ट है लेट से y, और ये सब मैं रुपीज में लिख रहा हूं, ठीक है बच्चे। अब देखो दो टेबल, सिंपल है 2x, 3 चेयर 3y इज इक्वल टू रुपीज 2000। और हाँ जिसको एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि वो सबसे आसान होता है, नहीं आता ये रहा ऊपर आ जाएगा 2000, और उसके बाद है 2 चेयर 3 टेबल और 2 चेयर, पहले 2 थी अब हो गई है रुपीज 2500। एक चीज और, वो क्या है बेटा, देखो पिछले क्वेश्चन में ना अलग अलग कॉस्ट निकालनी थी, तो एक्स और वाई बस आंसर खत्म। पिछले क्वेश्चन में क्या था, बिल्कुल अलग अलग सेपरेटली लिखा हुआ था ना, तो आपको एक्स निकालोगे और वाई, दो वैल्यू निकालते ही खत्म क्वेश्चन। इसमें ऐसा नहीं होगा, वही बच्चे गलती कर जाएंगे पेपर में। इसमें देखो क्या बोला है, तो अब देखो ये क्या करना है तुम्हें, सबसे पहले तुम एक्स या वाई कोई भी एक वैल्यू निकालो, उसके बाद दूसरी, ये दोनों आ जाए, उसके बाद देखो 1 टेबल 5 चेयर, तो आपको आंसर में ना ये निकालना है। क्या करोगे, इसको वैल्यू को डाल देना, इस वैल्यू को डाल देना, 5 से मल्टीप्लाई करके प्लस कर देना, छुट्टी आ जाए। चलो जी, अब सर इस क्वेश्चन में स्पेशल क्या है, लास्ट क्वेश्चन है, स्पेशल तो है इसमें कुछ स्पेशल मैं बता देता हूं। देखो मैं कह रहा हूं बुक की कॉस्ट है कॉस्ट ऑफ बुक, बोलोगे सर ये तो पहले जैसे लग रहा है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, कॉस्ट ऑफ पेन ठीक है, 5 बुक की 5x, इतने की 7y 79, सिमिलरली 7 बुक की 7x 5y 77। अब बोलोगे सर ये सेम ही तो, मैं बताऊं देखो अगर आप इसमें सब्स्टिट्यूशन, देखो ग्राफिकल तो कोई नहीं लगाएगा मेरे को पता है, सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन लगाओगे तो ये बहुत डायरेक्ट में तो अजीब हो जाएगा, तो एलिमिनेशन लगाओ थोड़े स्मार्ट तरीके से इस बार। बोलो कि सर स्मार्ट क्या है, मैं बताऊं देखो, एक तो मैंने आपको ये तरीका बताया था, इधर क्या लिखा है
फाइव उसको नीचे, सेवन को ऊपर, नहीं तो ना आप देखो ऐसे भी कर सकते हो, इस बार इन दोनों को प्लस करो। बोल अब ट्रिक क्या है, देखो ट्रिक ये है, यहाँ भी 12 यहाँ भी 12, विश्वास नहीं है, ये देखो 12x प्लस का 12y इज इक्वल टू 79 प्लस दिस 156। बोलोगे सर इसमें, अरे 12 12 12 कॉमन है, ये देखो 12x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 इंटू 13, 12 से 12 कट गया, तो ये आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 13। और बेटा एक बार इनको ना माइनस करो, देखो माइनस का 2x 2y प्लस का मैं माइनस कर रहा हूँ, देखो 5 में से 7 गए, 7 में से 5 गए, और इसमें से जाएंगे तो 2 ही बचेगा। अब देखो y तुम्हारे लिए लिख दूँ क्या, माइनस का 2x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 2 इंटू माइनस का 1, पता है ना 2 को ऐसे लिख सकते हैं, माइनस का 2 कैंसिल, तो ये आ गया x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 1। और एक बार इसको नीचे उतार लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 13। अब कैसे भी आप इनको सॉल्व कर लो, और बच्चे देखो सॉल्व, चलो मैं तुम्हारे लिए कर ही देता हूँ, 2x मैंने ऐड कर रहा हूँ, ऐड करने के बाद ये कटे आई थिंक 12, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी फिर बताओ, सिंपल है 6। इसका मतलब सर बुक है 6 रुपए की, और पेन की तुम खुद निकाल लो, सबसे आसान है ये वाला तरीका, इसमें डाल देना तो पेन आ जाएगा 7 रुपए का। पढ़ते रहो और देश का नाम रोशन करते रहो।